अस्सलाम वालेकुम, आप सबको सायरा भाजी की किचन में खुशामदीद। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू की सादी बिरयानी। ये तह वाली बिरयानी नहीं है, ये आलू की सादी बिरयानी जो अमूमन हम अपने घर में बनाते ही हैं। जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए, एक प्याज ली मैंने दरमियानी, एक टमाटर लिया और हरी मिर्च, इन सबको मैंने पीस लिया। इसके बाद कुटी हुई मिर्ची चाहिए हमें एक चम्मच, पिसी हुई मिर्ची चाहिए और एक एज अ टेस्ट आप अपना बिरयानी मसाला डाल सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये मेरा अपना बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। जो भी इस वक्त आपके पास होगा वो आप डाल दीजिएगा। और ये सब साबुत गर्म मसाला है, अदरक लहसुन है, टमाटर हैं, ये बिल्कुल हमारे जब दम पे आ जाएगा चावल तो हम उस वक्त ये टमाटर डालेंगे और ये दो हरी मिर्ची डालेंगे। ये पुदीना और हरी मिर्च है जो कि हम अभी जब मसाला तैयार करेंगे उसका तो हम इसमें डालेंगे। आधा किलो मेरे पास चावल है, चावल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। वैसे ये आधा किलो का रेशियो जो मैं आपको बता रही हूँ। और आलू अगर आपके घर में ज़्यादा खाए जाते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। वैसे मैंने इस वक्त तीन आलू लिए हैं, दही है और अदरक लहसुन। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक छोटी सी प्याज ली थी और लहसुन, फिर इसके अंदर मैंने ये मसाला डाल दिया था, आप जो मैंने पेस्ट बनाया था ना दोबारा में। उसके बाद मैं इसको चम्मच चलाऊँगी और इसका पानी ड्राई होने दूँगी। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा ना फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। अब देखिए, इसमें जो मैंने मसाला आपको बताया था ना, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सारे। इसके बाद इसको हम चलाएंगे, फिर ये मैं अदरक लहसुन डालूँगी एक चम्मच के बराबर। इसके बाद बनाना शुरू हो गई, और ये हरी मिर्च और पुदीना, इसको अच्छी तरह वॉश कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है पुदीने में। ये देखें मेरा कलर, देखें कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, माशाल्लाह। नमक मैंने नहीं डाला है क्योंकि मसाले में मेरा नमक था, बिस्मिल्लाह। और ये दही डालेगा, तीन से चार चम्मच बस, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। दही मैंने यूँ डाला है क्योंकि जब जूसी जूसी सी आपकी बिरयानी तैयार होगी आलू की जूसी वाली, दही से ये थोड़ा अच्छा जूसी पन आ जाता है। ये देखें, अब ये मैं इस स्टेज पे आलू डाल दूँगी इसमें। आलू डालने के बाद हम चलाएंगे और ये फिर इसी पानी में ये आलू भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। और मैं अब इसको कवर करके रखती हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए अब देखते हैं हम अब के आलू गले हैं या नहीं गले हैं, इंशाल्लाह गल जाएंगे। ये हमारे आलू गल गए हैं तकरीबन, तो अब हम इसमें चावल डालेंगे और पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा चावल में, बिस्मिल्लाह, और नमक भी। मेरे हिसाब से मेरे चावलों में पानी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से मेरे चावलों में पानी बिल्कुल सही है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसको मैं कवर करती हूँ। और जो ये टमाटर थे ना, जब हमारे चावल ये दम पे आएंगे हम उस वक्त डालेंगे ये वाले टमाटर, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो अब मेरे जो चावल का पानी ड्राई हो गया है, अब मैं जो आँच है ना चूल्हे की वो थोड़ी कम कर दूँगी और इसी पानी में इंशाल्लाह ये चावल मेरा हो जाएगा। और फिर इसी स्टेज पर आकर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास हरी मिर्च थी ये रखना है, टमाटर थे ये रखना है, ऐसे ताकि ये हमारे टमाटर हैं गल जाए।
आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको कवर कर देंगे हम। ये देखें इसका कितना अच्छा कलर आया था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि मैंने इसमें जर्दे का रंग भी डाला था। उन्हें जब मैंने टमाटर